वालों की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है भाई। फंक्शन है? अरे वाह, ये वाली फ्रॉक लेकर आए हैं। देखो ये वाली साड़ी है, तिरंगा वाली। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं, ये भी गए हैं अपने काम से। मैं घर का काम कर रही थी, अभी मैंने बेडशीट चेंज करी है और उधर की भी चेंज कर दी है। ये देखिए पूरा बेड लगा दिया है, बस घर के काम ही कर रही थी मैं। और कल रात में बहुत तेज की बारिश हुई ना, तो ये सारा माल हमारा भीग गया है। ये देखिए ऐसे रखा है, अभी इसको सूखने डालना है मुझे। और कपड़े भी सारे ऐसे ही पड़े हैं, कल धो रखे थे ना तो वो सूखे ही नहीं, गीले हो गए क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है। और मैं बस अब झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे अपनी अलमारी भी सेट करनी है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी पड़ी अलमारी में, मतलब कपड़े उथल पुथल हो गए, कोई कुछ मिल नहीं रहा है। और मुझे घी भी बनाना है, मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। तो अभी मैं बस घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहा धो के अच्छे से रेडी होके। हाँ, और सोच रही हूँ आज मैं इंस्टाग्राम की रील्स भी शूट कर लूँ 15 अगस्त वाली। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, मैंने एक साड़ी भी मंगवाई, वो भी मैं दिखाती हूँ। उसका ब्लाउज़ वगैरह भी मैंने सब सिल लिया है, बस अभी शूट करने के लिए रह गया है। तो मैं अच्छी अच्छी रील बनाऊँगी, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ऐसे आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, तो उस पर भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है? अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, घर के सारे काम निपटा के घर एकदम चमचमा कर रख देती हूँ। अभी ना थोड़ी गंदगी पड़ी हुई है, मतलब झाड़ू वगैरह भी लगाया नहीं है। सुबह सुबह क्या होता है, बच्चों की ज़्यादा भाग दौड़ लगी रहती है ना, इस वजह से। तो मैं पहले बच्चों को निकालती हूँ, उसी के बाद मैं सारे घर के काम करती हूँ, क्योंकि 8 बजे सारे को निकलना होता है। तो अगर मैं घर के काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर उनका लेट हो जाएगा। तो उनको लंच वगैरह बना के दिया मैंने, अब वो सब चले गए हैं, अब आएंगे 2 बजे के आसपास, फिर उनसे मिलवाएंगे। और ये भी गए मार्केट सामान लेने के लिए 15 अगस्त वाला ही। क्या लेकर आते हैं वो बताते हैं, वैसे फ्रॉक कह रहे थे मैं लेकर आऊँगा। तो मैं अभी जल्दी से घर के काम निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? नहा लिया फ्रेंड्स, घर का सारा काम कर लिया और थोड़ी बहुत तैयार भी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी पूजा भी कर दी है, और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चाय पीनी है। चाय की बहुत गंदी आदत है कि सुबह सुबह तो चाय सबको चाहिए ही, अगर नहीं पिएंगे ना तो सिर में दर्द हो जाता है। मेरे तो होता है, मैं तो 2 टाइम की चाय पीती हूँ, लेकिन चेक कहते हैं चाय पीने से गैस वगैरह हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम तो मुझे होती है। तो लेकिन फिर भी मैं चाय सुबह की तो चाय मैं पीऊँगी, साथ में नाश्ता है। कल मेरा व्रत था ना, तो मैंने कुछ खाया नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं। मतलब अब लगातार काम करती रही, अकेली होती हूँ तो फिर मेरे को ही करना पड़ता है सारा काम, और तो कोई हेल्पर है नहीं मेरे पास। बच्चे तो सब स्कूल पता ही है कि चले गए हैं, और खुशी से तो मैं कोई काम करवाती ही नहीं अभी घर का, क्योंकि उसकी 9th की पढ़ाई है ना, तो उसका पूरा जोर पढ़ाई पे ही दे रखा है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करी हूँ, घर का काम तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस चाय बन रही है, अभी मैं जा रही हूँ चाय दूध डालने के लिए। चाय में अभी दूध डला नहीं है, चाय में खोल रही है, देखो। तो इसमें मैं अभी दूध डाल देती हूँ। फ्रेंड्स आ जाओ, आप लोग भी नाश्ता कर लो आके। ये देखिए अरबी की सब्जी है, पराठे है और चाय है। मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, ये रखा है। और ये टाइम है अब मेरा टीवी देखने का, मैं थोड़ी टीवी भी देखूंगी और चाय भी पीऊंगी। इस तरीका से मैं आधे घंटे के हिसाब से अपना देखते देखते चाय इंजॉय करूंगी। अभी घर में कोई भी नहीं है, मैं पूरा अकेली हूँ, और ना बगल में कोई है, बगल में आंटी कहीं गई हुई हैं, और घर में ना बच्चे हैं ना ये है, मैं अकेली हूँ। पूरे भी बाहर जंगल की तरह मैं अकेली घूम रही हूँ इस घर में। लेकिन कोई नहीं, अगर मुझे कुछ लगता है ना जैसे अकेली, तो मैं टीवी चला लेती हूँ, तो टीवी से ऐसा लगता है कि हाँ घर में थोड़ी आहट होती रहती है, नहीं तो सुनसान हो जाता है ना, तो मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है। तो चाय पीने जा रही हूँ मैं अभी, ठीक है? हो गया मेरा नाश्ता, मैं जा रही हूँ बर्तन रखने के लिए, और थोड़े से बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए, उनको भी मांजूंगी। फिर खाने पीने की कुछ तैयारी हो रही है, काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, ये देखिए अभी इनको साफ करना है, फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा दोपहर के लंच में। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी सेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। गंदी मतलब कि कपड़े सब इधर से उधर ऐसे फैले रखे हैं, जो कोई भी कपड़ा ढूंढो ना तो मिलता नहीं है बिल्कुल भी। और ये एक अलमारी मेरी एक हाथ में तो रहती नहीं, जैसे मेरे हाथ में रहे तो मैं सेट करके पूरा रखूँ। 5 जने हैं घर में, 5ों के हाथ में अलमारी रहती है, तो उसका क्या होता है, एक कपड़ा निकालो और 7 कपड़े नीचे निकाल फेंक देते बच्चे, इस वजह से गंदी होगी। परसों चौथे ही मैंने ठीक करी, लेकिन फिर वैसी होगी। अभी दिखाती हूँ कैसी हो रही है अलमारी, ये देखो
पूरे में ना गदर सा मचा रखा है, और ये वाली भी ऐसे ही हो रही है, ये देखो। तो इसको अभी ना सेटअप कर लेते हैं, जल्दी से सजा देते अच्छे से, और फिर घी बनाएंगे। घी भी बनाना है मुझे, ये भी एक ज़रूरी काम है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है ना, तो उसमें स्मेल वगैरह आ जाएगी, तो अच्छा नहीं रहेगा। काफ़ी टाइम होगा, 15-20 दिन की रखी हुई है, तो देखते हैं कितना घी निकलता है उसमें से। अभी पता नहीं, जब बनाऊँगी तब पता चलेगा मुझे। फ्रेंड्स, ये खाना खा रहे हैं, अभी आए हैं दोपहर में, सुबह के गए हुए थे 8 बजे के, तो चाय या कुछ नहीं पी के गए, ऐसे गए। तो चाय के साथ मैंने खाना भी दे दिया है। अब दोपहर 1 बज रहा है, ये देख रही गाड़ी, और माल भी आ गया, फ्रॉक वगैरह आई है। अभी थोड़ी देर में दिखाते जब ये रोटी खा लेंगे ना उसके बाद, तो मैंने खाना साथ ही में दे दिया, मैं अब खा ही लूँ। तो कैसा था बाजार का एक्सपीरियंस बताओ, कैसी भीड़ भाड़ है? परेशान हो गए, पूरा जाम ही जाम था, बहुत जाम लगा हुआ है। बारिश कैसे हो रही थी? बारिश हुई थी, जाम बहुत ज्यादा। अच्छा, कल माल भीग गया था ना? कल माल सारा ही भीग गया, सब ऐसे ही रखा है, अभी तरपाल वगैरह सब सुखाई हम लोगों ने। और कल बहुत ही ज्यादा बारिश थी। बारिश कैसी थी बाजार में? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, बाजार वालों की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है भाई। इनसे पूछो ये कैसे बाजार लगाते हैं, आंधी तूफान कुछ भी हो लेकिन इनको बाजार लगाने जाना ही होता है, रेस्ट भी नहीं कर सकते, इतना वो है। 7 दिन बाजार जाते हैं, कोई इंसान ऐसा सोचता है चलो संडे या छुट्टी कर ले, लेकिन संडे वाले तो उनके ज्यादा मेन ही बाजार होते, तो उस दिन तो जाना ही पड़ जाता है ना। तो बहुत ज्यादा है स्ट्रगल वाली लाइफ ही है। तो भाई सब लोग पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी वगैरह करो, अच्छी बात है, ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के काम करो। जो बाजार वाले होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो चलो इनको रोटी खा लेने देते, बाकी मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और साथ में फ्रूट भी लेकर आए हैं, आम और सेब हैं। कल मेरा वर्क था तो कल भूल गए थे ये ले आने के लिए, तो आज ले आए हैं। तो अभी बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो खा लेंगे, मैं भी एक आधी खा लूँगी इनमें से। फ्रेंड्स, परी आ गई है स्कूल से, और ठीक है इसी के अंदर खा लेना, एप्पल भी खाओगे। पहले हाथ मुंह तो धो लो फिर खाना। आ रहा स्कूल में कैसा रहा तुम्हारा दिन? मजा आया। कल पता क्या है? क्या? फंक्शन। फंक्शन है? हाँ। अरे वाह, मैम ने बोला आप एड्रेस पहन के आ सकते हैं, पूनी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, सर ने बताया नहीं क्या पहन के आना, मैसेज करके पूछ लेना। मैं यही पहन के चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स, पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी है, ये देखो ऊपर से नीचे तक सारी। ये है हमारे बच्चों की गुल्लक रखी हुई है, और इस इधर वाली भी कर दी। फ्रेंड्स, उस टाइम ना मैं भूल गई थी आपको फ्रॉक दिखाने के लिए कि कौन सी फ्रॉक लेकर आए हैं ये मार्केट से। तो देखिए ये परी दिखाएगी अभी, ये वाली फ्रॉक लेकर आए हैं। ये देखो, ये देखो ऐसे लगेगी। 15 अगस्त का सारा सामान इसने इकट्ठा कर लिया है, 15 अगस्त वाले दिन अच्छे से पहनेगी, है ना परी, रेडी होएगी। और मैंने अपनी साड़ी भी मंगाई थी, मीशो से मंगाई थी। तो देखो ये वाली साड़ी है, तिरंगा वाली, इसका ब्लाउज मैंने सब रेडी कर लिया है। खुशी ने भी अपने तिरंगा के कपड़े ले लिए हैं, अभी पहनेगी। आज मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, मेरे घर का ही बहुत सारा काम हो गया था ना, तो इस वजह से मेरी वीडियो छूट गई। फिर मैंने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया, मैं कहा चलो 15 अगस्त वाले दिन ही फिर मैं बना लूंगी। आज घर का ही मेरा काम हो गया था, तो उसमें मेरे को टाइम लग गया, फिर टाइम भी निकल गया, रात हो गई, तो फिर मैंने फिर हटा, मतलब नहीं बनाई। फिर मैं कहा चलो रहने दो, उठाओ बाबू। तो बस अभी मेरी साड़ी बन गई है, रेडी हो गई है, और हमारी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है ना। हाँ, और 15 अगस्त को इनका बर्थडे भी है, तो और भी स्पेशल डे हो गया है। अब देखो सेलिब्रेट करेंगे, छोटा सा ही करेंगे हम। तीन तीन फेस्टिवल आ गए, पापा का बर्थडे, 15 अगस्त और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो आ गए है, आ रहा है ना। चलो ला, मैं रख दूँ सही से। अभी और एक और त्योहार चल रहा है। चलो ठीक है, रख देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रात हो गई है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, दाल चावल बनाने जा रही हूँ। और कपड़े वो वाले में गीले हो गए थे बारिश की वजह से, तो मैंने चेंज कर लिए थे। और अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करना। घी अभी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अलमारी साफ करते हुए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया इस वजह से। क्या और परी प्रोजेक्ट सा बना रही है अपना, ये देखो।
ये देखो कुछ कुछ काम हो रहे हैं इधर। राखी है, चलो ठीक है, अच्छा दिखाओ। अरे वाह, परी ने बनाई है ये राखी। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। परी भी बाय कर रही है, बाय कर दो, ठीक है, बाय।